संकेत अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, क्या कुछ बातें कही। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश के लोकतंत्र की मजबूती क्या है, ये उन्होंने बताया है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसी वजह से। लेकिन इस वक्त यहाँ तस्वीरें महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री एक मिनी रोड शो सा भी कर रहे हैं, हालांकि ये आधिकारिक तौर पर रोड शो तो नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता क्योंकि जुटे हुए हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री जब यहाँ से निकलेंगे तो इन तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री की गाड़ी देखिए सामने आने वाली है। और किस तरीके से इस वक्त जो है प्रधानमंत्री, जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे रात में 10-11 बजे, कोई जो रात में 8 बजे, तो कोई जो है 3 बजे पहुंच गया था, उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये एयरपोर्ट के ठीक बाहर की है, जहां पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तो जुटे ही हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी यहां पर नजर आए हैं जिनका ये कहना है कि उनको किसी ने बुलाया नहीं है। और ये तस्वीर अपने आप में खास है, जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच में, जो लोग उनका अभिवादन के लिए यहाँ पर आए थे, अभिनंदन के लिए आए थे, उनके बीच में पहुंचे हुए हैं। ये देखिए पुष्प वर्षा चल रही है। एबीपी न्यूज पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर से। और प्रधानमंत्री इस वक्त जनता के बेहद करीब, बीच में बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेड के एक तरफ जनता है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है। सुरक्षा कर्मियों के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री ये एक अंदाज भी रहा है कि चाहे वो 26 जनवरी का जो है राष्ट्रीय पर्व हो या फिर 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व हो, उस दौरान भी देखते हैं कि जो वहां जनता आती है उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं, काफी दूर तक पैदल चलते हैं। और आज भी एयरपोर्ट पे जो मंच बनाया गया था एयरपोर्ट के गेट के बाहर, वहां पर तो प्रधानमंत्री पहुंचे ही थे, लेकिन ये देखिए जनता के बेहद करीब इस वक्त ठीक हमारे सामने पहुंच रहे हैं। हम मेन गेट से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किस तरीके से जनता के बीच में इतना नजदीक पहुंच रहे हैं, और शायद यही वो कनेक्ट है जिसकी वजह से कार्यकर्ता और जो जनता है वो सड़कों पर उतर पड़ती है जब भी प्रधानमंत्री का कोई रोड शो होता है या कोई कार्यक्रम होता है, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री के इतना नजदीक पहुंच करके उनका अभिवादन स्वीकार करना, उनका अभिनंदन करने का मौका शायद कम ही मिल पाएगा। और इसी वजह से जब ऐसा कोई भी जो है मौका होता है तो प्रधानमंत्री लोगों से भी जो है जो जिस मंशद वो आते हैं उनको निराश नहीं करते हैं। और ये एयरपोर्ट से करीबन 150 मीटर आगे की तस्वीर है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री 150 मीटर तक पैदल चल चुके हैं और अभी भी पैदल चल रहे हैं। उनके साथ में जो सुरक्षा कर्मी है वो अभी भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो पुष्प वर्षा की जा रही है उसमें किसी भी तरीके से कोई जो है दिक्कत ना हो। जो कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री उनसे एक तरह से हाथ मिला करके चल रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वहां जो जनता होती है उसका एकदम जो नजदीक पहुंच करके अभिवादन स्वीकार करते हैं, लेकिन जब देश में होते हैं और रोड शो वगैरह हो रहा होता है तो वहां पर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से चल रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके से उतर के करीबन 200 मीटर दूरी तक पैदल पहुंच चुके हैं और अभी भी पैदल ही चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की यही वो खासियत है जिसकी वजह से जनता उनसे इस तरह से कनेक्ट करती है। और अभी भी प्रधानमंत्री जो पैदल चलते जा रहे हैं उनको भी पता है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि ये जो कार्यकर्ता है, ये जो लोग है, ये जो जनता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए देर रात में यहाँ पर पहुंचे थे। कई लोग ऐसे, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो पूरी रात सोए नहीं है, इसी वजह से अभी भी देखिए लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का काफिला है वो इस वक्त पीछे चल रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो तैनात जो जवान है, जो अधिकारी है, वो उनके साथ साथ पैदल चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री 200 मीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। ये तस्वीर इस तरीके की कम ही देखने को मिलती है। अगर हम 26 जनवरी या 15 अगस्त की भी बात करते हैं तो वहां पर भी प्रधानमंत्री करीबन 100-150 मीटर के दायरे में जो पैदल चलते हैं, लेकिन आज ये करीबन 200 से 250 मीटर की जो दूरी है वो प्रधानमंत्री पैदल जो है इस तरीके से जो है ट्रेवल कर रहे हैं। और जो देखिए जनता भी आगे आगे उनके साथ साथ चलती जा रही है, पुष्प वर्षा होती जा रही है। हालांकि जो पीछे पीछे हम देख रहे हैं मीनाक्षी लेखी है, हंसराज हंस है, जो तमाम सांसद है
वो पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ जनता आगे बढ़ती जा रही है और यही वो प्रधानमंत्री का जो है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं यही उनका करिश्मा है, जिसकी वजह से जनता से वो इस तरह से सीधे कनेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो वहां पर इस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं कि जनता से कैसे सीधे कनेक्ट करना है। और प्रधानमंत्री उसी कड़ी में देखिए 250 मीटर से ज्यादा का जो है रास्ता हो गया है, जो अभी भी पैदल ही जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि करीबन लगता है प्रधानमंत्री का प्लान यही है कि जितने भी लोग कार्यकर्ता यहां जुटे हैं, जितने भी जनता यहां जुटी है, उनमें से किसी को निराश ना किया जाए। और इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार मेन गेट से, जहां पर मेन मंच था, उससे करीबन 300 मीटर की दूरी तक पैदल पहुंच चुके हैं और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें कभी देखने को मिलती हैं जब प्रधानमंत्री इतनी दूरी तक पैदल चले, क्योंकि अगर हम रोड शोज की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के कई रोड शो हमने भी कवर किए हैं, हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, फिर चाहे वो चुनावी रोड शो हो या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान हो, वहां पर भी प्रधानमंत्री अमूमन हम देखते हैं कि अपनी गाड़ी में होते हैं, गाड़ी के ऊपर जो है खड़े होते हैं या फिर गेट में खड़े होते हैं और वहां से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन इस तरीके से पैदल जो है साथ में चलते जाना 200, 250, 300 मीटर तक, और रास्ते भर में जितने कार्यकर्ता हैं, देखिए ये बैरिकेड यहां से खाली नजर आ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो प्रधानमंत्री के साथ साथ पैदल चल पड़े हैं पूरे रास्ते पर। निखिल, अगर हम दिखा सकते हो, पीछे से दिखा रहे हैं इस वक्त हम तस्वीरें, हालांकि हम तस्वीरें प्रधानमंत्री की भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, किस तरीके से इस वक्त जो है जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री के पीछे पीछे पैदल चल पड़े हैं। और हो भी क्यों ना, यही वो मौका था, यही वो पल था जिसको है जिसके लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। मोदी जी को आप लोगों ने देख लिया जिसके लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, बल्कि मैंने अपने हाथों से मोदी जी को पटका दिया, जिस से बिल्कुल इतने करीब आकर के आपने इससे पहले सोचा था कभी कि नहीं, कभी नहीं सोचा हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज मैंने अपने हाथों से उनको पटका दिया, आज मुझे खुशी इतनी हो रही है कि मैं बोल नहीं सकती। प्रधानमंत्री जब रोड शो वगैरह करते हैं तो गाड़ियों का काफिला होता है, लेकिन आज तो पैदल बिल्कुल सामने से गए हैं, बिल्कुल सामने से ऐसे हाथ मिला के ऐसे मोदी जी, किसी को निराश नहीं किया? नहीं नहीं, जो हम 2 बजे से आए हुए थे हमारी मेहनत सफल होगी कि जैसे हमें भगवान मिल गया। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी को जय श्री राम। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रात में 2 बजे आए थे, लेकिन खुशी का ठिकाना इनके चेहरों से अंदाजा लग जाता है। पटका देके ना मोदी जी को मैं कह नहीं सकती कि आज मैं सोच के आई थी, कभी नहीं लेके आई, फर्स्ट टाइम लेके आई और आज मेरा सपना पूरा हो गया कि मोदी जी बार आते रहे। कितने सालों से? बहुत काफी टाइम से आ रहे हैं हम, 8-10 साल से आ रहे हैं, पर आज मैंने अपने हाथों से पटका दिया, मैं बोल नहीं सकती, मेरे को लव नहीं मिल रहा। ये जो इस वक्त इन लोगों की बातें हैं, ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर नाश्ते गाते हुए लोग जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं देखिए अभी भी नाच रही हैं। अभी तक हाई है, रात से लेकर अभी तक लोगों में जो जोश है वो हाई है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।